अगर आपको ऐसे एक दिन का पीएम बना दिया जाए तो आप पहला कौन सा करेंगे? तो पहले तो ये जो नफरतों के बाजार खोल रखे हैं बीजेपी ने और आरएसएस, उसको हम मोहब्बत की दुकान में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? वाह, वो मैं राहुल गांधी जी के साथ चल रही थी भारत जोड़ो यात्रा में के समय, तो उन्होंने मुझे एक सवाल पूछा। उन्होंने पूछा कि महिलाओं की स्थिति राजस्थान में क्या है। तो उस दिन से मैंने सोचा कि जो नेता, जो हमारा लीडर है, जो महिलाओं के बारे में सोच रहा है, उससे बेहतर कोई नेता नहीं। अब मैं मेरे हस्बैंड को एक महीने के बाद तो बोला कि आदित्य, दिस इज नॉट हैपनिंग, प्लीज़ ये घूंघट तो मैं नहीं कर सकती। मतलब एक महीना ठीक है, मैंने भी आउट ऑफ करा कि भाई कल्चर है हमारे, कस्टम। बट फिर मेरे हस्बैंड ने धीरे जाके उनकी मदर को बोला कि मम्मा, अगर ये आप घूंघट नहीं हटाओगे तो मेरी बीवी भाग जाएगी। आते हैं हमें तड़पाते हैं, चिट्ठी आती है पूछ जाती है कि घर कब आओगे। तो आप खिलाड़ी से राजनीतिक खिलाड़ी कैसे? परिवार राजनीतिक बैकग्राउंड से आता है, मेरे फादर एमएलए रहे और वही बचपन से सीखा। क्योंकि यंगस्टर्स आपको देख रहे हैं खास तौर पे जो पॉलिटिकल एस्पिरेशंस रखते हैं। योर लाइफ शुड बिकम अ मैसेज फॉर पीपल, हाउ यू लिव योर लाइफ। युवा जनरेशन को मैं कहना चाहती हूँ, जैसे पहले भी मैंने कहा, ठीक है आप मोबाइल पे सब कुछ है, सब कुछ है, पर किताबें भी पढ़ें, अपने बड़ों के साथ भी रहें, और लीडर की क्वालिटीज आप में हैं तो पहले आप जनसेवा करें।